देखिए ये क्वेश्चन है आपको दिख रहा है एक्सरसाइज टॉपिक का पहला वाला, बाकी बचे हुए सारे आपको खुद से करने हैं। देख लिए, पॉज करके वीडियो देखिएगा, करिएगा, ठीक है। हम पहला वाला बताने जा रहे हैं, 5 होल 2 बाई 3 डिवाइड बाई 2 - 1/2। देखिए इसको कैसे करेंगे, ठीक है, दिख रहा है, अरे दिख रहा है ना। तो याद रखिए ये वाली लाइन पहले खींचते हैं, जो नीचे लिखा है वो लिखेंगे, फिर यही जो नीचे लिखा था उसको यहाँ पे भी लिखेंगे, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर वाले इस लाइन के ऊपर, ठीक है। तो 3 × 5 प्लस ऊपर वाले से प्लस करना होता, ठीक। डिवाइड का निशान लगाया, अभी उसको कुछ ना करिए, 2 लिखा - 1/2, ऐसे ही कुछ ना करिए, ठीक है। 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 17 / 3 डिवाइड का निशान लगा के 2 - 1/2, ठीक। अच्छा ये डिवाइड का निशान लगा है तो है, 2 भी लिखा है, लेकिन इसका मतलब पता है क्या है, 2 के नीचे 1 छुपा हुआ है, क्या छुपा है, 1। 17/3 डिवाइड का निशान चुनेंगे मल्टीप्लाई में, 1 ऊपर 2 नीचे 1/2, ठीक है। 17 × 17 = 3 × 6 - 1/2, 17 × 17 = 3 × 6 - 1/2। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या 17 में 1 = 16, ऐसे कर देंगे, 6 में 2 = 4, ऐसे नहीं कर सकते, बीच में प्लस माइनस लगा होता तो डिनोमेटर का एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 ही आएगा, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 3 1 = 3, ठीक है, 2 3 = 6, एलसीएम आया 6। 6 का टेबल इतनी बार पढ़ी, 6 आता है, 6 के टेबल में 6 1 बार में आता है, ठीक है। 6 1 = 6, 1 लिखा, 1 से इसके ऊपर जो था 6 के 17 उससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस। अब 2 का टेबल इतनी बार पढ़े, 6 आता है, 2 3 = 6, 3 लिखा, इसके ऊपर क्या था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 17 × 17 = 3, 3 3 = 3, 6 17 में 3 = 14, 14 / 6, 2 7 = 14, 3 3 = 6, 7/3 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 3 से 7 को डिवाइड कर लें, जो नीचे होता है वो बाहर रहता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, ऊपर वाला बड़ा हो चाहे छोटा, अंदर रहेगा, 3 × 6 बचा 1, 2 3/6, क्योंकि फार्मूला होता है QR/D, क्वेश्चन रिमाइंडर ऊपर डिवाइडर नीचे, तो क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन होल और रिमाइंडर ऊपर डिवाइडर नीचे। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया जाता है जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यानी डिनोमेटर छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये सारे हैं, सारे ट्राई करिए, जो नहीं है पूछिए अगला कुछ वीडियो में।